जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नए इंस्टीट्यूट के रिव्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। इस वीडियो में बिल्कुल हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बायस होकर के शेयर करने नहीं जा रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम आपसे ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है साथ में, जैसे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी अभी डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, वो भी किसी तरह का भी डोनेशन नहीं देना पड़ेगा आपको कुछ कोर्सेज के लिए। तो आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपको ऑनेस्टली गाइड करेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं ड्रीम इंस्टीट्यूट का अलग अलग पैरामीटर पर रिव्यू और देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पर स्टैंड बाई करती है या नहीं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लेते हैं एक ब्रीफ ओवरव्यू इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। ये 2006 में इस्टैब्लिश हुआ था। ये प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट है, AICTE से अप्रूव्ड है, एप्लिएटेड है ये मकौत से, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से ये एप्लिएटेड है और NAC की भी इसको एग्रीडेशन मिल रखी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है आज का हमारा कंटेंट। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिविटी कैसी रहने वाली है इस इंस्टीट्यूट की, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्स कौन कौन सी ये कोर्सेज हमें ऑफर करती है वो भी हम बिल्कुल आपसे क्लियरली आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी कोर्सेज बीटेक के अंडर में ये हमें ऑफर करती है वो भी हम आपको बताएंगे। मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बीटेक के अंडर कौन सी कोर्सेज हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट हिस्ट्री इसका कैसा रह चुका है, कैसा इसका रहा है प्लेसमेंट परसेंटेज, क्योंकि प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज तो हम देखते हैं पर हम प्लेसमेंट परसेंटेज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि प्लेसमेंट परसेंटेज आपको रियलिटी देता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आउट ऑफ 100 प्लेस्ड हुए हैं, कितने ज्यादा रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। तो अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज होना भी काफी जरूरी है। तो चलिए उसके बाद फिर हम देखेंगे कट ऑफ कैसा रहा है, साथ में प्रोज एंड कॉन्स, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको अपना POV, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एज ए स्टूडेंट क्या है वो भी मैं आपके साथ ऑनेस्टली डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैसा रहने वाला है इस इंस्टीट्यूट का कनेक्टिविटी। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देखें तो ये 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि काफी ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, पर ये ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि हल्दिया जैसे आउटर साइड में पड़ता है उसके कॉम्पेरेटिवली ये काफी कम है और बढ़िया है। सियालदह रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। साथ में ये जो कॉलेज है ये ठाकुरपुर समाली BH रोड कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में, ये आपको पता है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये इंस्टीट्यूट की कनेक्टिविटी मेरे हिसाब से ओके है, कनेक्टिविटी में मुझे किसी तरह का भी इशू नहीं दिखता। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है इस इंस्टीट्यूट की। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि 2006 में स्टैब्लिश हुई थी, अभी इसमें डिजिटल क्लासेस वगैरह भी आ चुके हैं, साथ में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी, यानी कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी अवेलेबल है, साथ में आपको प्लेग्राउंड भी मिलेगा, मॉडर्न जिम मिलेगा, वहाँ पे जिम के एडवांस इक्विपमेंट्स भी वहाँ पड़े हैं, साथ में आपको कैफेटेरिया मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगा, उसके बाद रिप्रोग्राफिक है ना वो भी आपको मिल जाएगा, मेडिकल अगर आपका कोई इमरजेंसी आ रहा है, हेल्थ इशू, उसके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब आपको मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगी, वहाँ पे भी अच्छे बुक्स अवेलेबल है। हमारी टीम विजिट की थी, उन्होंने लाइब्रेरी विजिट करके देखा इस इंस्टीट्यूट का, लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छा है, साथ में लेबोरेटरी है, ऑडिटोरियम भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंपस फैसिलिटीज में जैसा मैंने आपको बताया कि लैब मिलने वाला है, हॉस्टल, अब हॉस्टल फी कितना है ना, यहाँ पे आपको सेपरेट गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल आपको मिलने वाला है, तो उसका फी जो है वो है 33,000 पर सेमेस्टर, ये दोनों के लिए है, दोनों का ये फी 33,000 पर सेमेस्टर है विद फूडिंग एंड लॉजिंग। तो आपको दोनों, या तो आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों का हॉस्टल फी सेम है जो कि 33,000 है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोर्सेज कौन सी ऑफर करती है, ब्रांचेस क्या क्या है बीटेक के अंदर में। तो बीटेक के अंदर में यहाँ पे आपको सिविल मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ से ये सारी ब्रांचेस परस्यू कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट बीटेक में है, तो ये आपको ये इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। तो आप चेकआउट कर सकते हो कि अगर आपका इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट आपके क्राइटेरिया पे स्टैंड बाई करेगी तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फी क्या होने वाला है।
फी जो है इसका वो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा ज्यादा है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप यहाँ देख सकते हो। फी जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो 71,000 है, देन 41,000 इन द सेकेंड सेमेस्टर, 42,000 इन थर्ड सेमेस्टर, उसी तरह से 42 यानी कि 45 के अराउंड। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 71 देना है ऑन एन एवरेज, 40 से 45 के बीच में आपको बाकी के 7 सेमेस्टर की फी लगेगी। इसमें हॉस्टल चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल फी आपको अलग से देनी पड़ेगी, ये केवल और केवल ट्यूशन फी है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये अफोर्डेबल नहीं है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बिहार एंड बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है। साथ में बिहार, बंगाल और झारखंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस में जो कि हाईली डिमांडेड स्ट्रीम्स हैं, हाईली डिमांडेड ब्रांचेज है कंप्यूटर साइंस, उसमें भी आपको लग जाएगा बिहार, बंगाल और झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप बिहार, बंगाल या झारखंड से बिलोंग कर सकते हो, करते हो, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में किसी तरह का डाउट आ रहा है, आपको प्रोसीजर नहीं पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप हमारी कॉलेज टू कैंपस की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो आपको ऑनेस्टली गाइड करेगी, आपको प्रॉपरली बताएगी कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, हमने ईमेल भी मेंशन कर रखा है, साथ में आप हमें व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या रहने वाला है। एडमिशन का क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस्ड, मेरिट बेस्ड होता है, और जैसा कि मैं बता दूं कि जेई मेंस और डब्ल्यूबीजेई जो मोस्ट ऑफ द सीट्स होते हैं वो डब्ल्यूबीजेई पे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीजेई में होते हैं मोस्ट ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो है जेई मेंस और डब्ल्यूबीजेई ये है आपका बीटेक के लिए, इससे आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हो, और बाकी गेट वगैरह ये इनसे बीटेक में नहीं, लाइक आपको अगर एमबीए करना है, एमएससी करना है, उनके लिए ये सारे पेपर्स हैं। अगर आपको बीटेक में एंट्रेंस लेना है तो जेई मेंस और डब्ल्यूबीजेई के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा हाइप होता है अपने दिमाग पे, पर मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि हाईएस्ट पैकेज को हमें ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमें प्लेसमेंट परसेंटेज पे फोकस करना चाहिए कि कितना अच्छा इसका प्लेसमेंट परसेंटेज है, रिक्रूटर्स कैसे विजिट कर रही है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी 10 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम। प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैंने मेंशन किया है ईयर वाइज, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो कि 2020 में 80% ये है प्लेसमेंट परसेंटेज, यानी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस थ्रू द कैंपस इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू से, तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है। 2021 में भी 78 और 2022 में भी 80, यानी कि ये मेंटेन कर रही है ये इंस्टीट्यूट, तो ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है कि प्लेसमेंट परसेंटेज वो भी कैंपस, ऑफ कैंपस इसमें एक्सक्लूडेड है, केवल और केवल जो कैंपस से बच्चे प्लेस्ड होते हैं उनका ये डेटा है, तो ये काफी अच्छा डेटा है। अगर मैक्सिमम सिटी से देखें तो वो इसका ज्यादा नहीं है, 10 लाख पर एनम है, पर मैं बोलता हूं कि आपको प्लेसमेंट परसेंटेज पे फोकस करना चाहिए और आप इसको ब्रेक कर सकते हो अगर आपने स्किल है, आप स्किल सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल डेवलप करना आपका मेजर गोल होना चाहिए, क्योंकि आप प्लेसमेंट में जब भी बैठते हो तो वो आपके स्किल सेट को देखते हैं, आपने कितना ज्यादा मेहनत किया है 4 साल में उनका मेजर यही होता है, आपने कितना ज्यादा खुद को एक्सप्लोर किया है, डेवलप किया है खुद के स्किल सेट को, ये मैटर करता है। तो एवरेज सीटीसी 3.5 ये भी मैंने ईयर वाइज मेंशन किया है, तो आप यहां से ये चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिक्रूटर्स कैसे इसमें विजिट किए हैं। अभी तक जो पास्ट हिस्ट्री से मैंने देखा है इसमें BSNL, CSE लिमिटेड है ना, मिंटोर ग्राफिक्स, इंडियन ऑयल, टाटा है ना, साइमेंस, ग्लोबजीन, उसके बाद जेटा, इन्फोसिस, एमकैट, कोक्यूब्स, तो ये विप्रो, ये सारी जितने भी रिक्रूटर्स मुझे पता लगा, हमारी टीम को पता लगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा रिक्रूटर्स आते हैं, जितनी डाइवर्सिटी होती है रिक्रूटर्स की, जितने ज़्यादा रिक्रूटर्स आएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है ना, तो ये एक अच्छी बात है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज क्या है कि ये जेंडर बायस्ड नहीं है, इनका कोई लाइक या ये इंस्टीट्यूट में कोई भी किसी तरह का भी जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सेपरेट आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिल जाएगा, यहाँ के जो फैकल्टी है फैकल्टी भी काफ़ी सपोर्टिव है, फैकल्टी जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। और जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कि इसका कैंपस प्लेसमेंट है ना, कैंपस प्लेसमेंट परसेंटेज
जो है उसकी हिस्ट्री अच्छी है, कैंपस प्लेसमेंट परसेंटेज जो इसकी है वो अच्छी है। मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बताया है कि अराउंड 78 आउट ऑफ 100 अगर बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है कैंपस से तो दैट इज वेल एंड गुड। सो ये इसकी कुछ प्रोज थी जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं हो तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो तीन स्टेट्स मैंने बताए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। बिहार बंगाल का जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर आपका लगाने का दिल है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो चलिए इसमें इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कॉन्स के बारे में। कॉन्स भी है जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, कुछ भी आपसे हम छिपाने वाले नहीं है। जो हमें लगेगा प्रोज एंड कॉन्स वो हम आपसे बिल्कुल पार्शियली डिस्कस करने वाले हैं, हमें किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे हिडन नहीं रखना। तो कॉन्स अगर मैं बताऊं तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का अच्छा नहीं है, इट मीन्स ये हॉरिबल भी नहीं है पर ये उतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट का। इसलिए मैं आपको बीटेक अगर नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप इस इंस्टीट्यूट में जा रहे तो मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो कॉलेज इज हैविंग टू शॉर्ट एरिया, जो यहाँ पे शॉर्ट एरिया यानी कि इसका जो कैंपस है वो ब्रॉड नहीं है। अगर आपको आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा काम करना चाहते हो अपने कॉलेज लाइफ में, तो वो यहाँ पे आपको उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बता दिया जो भी प्रोज एंड कॉन्स लगे। बाकी आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गया हो तो आप उनसे पता कर सकते हो, वो आपको ऑनेस्टली बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एज स्टूडेंट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट उसकी जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो अच्छी नहीं है। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेना चाहते हो तो आप जाओ। इसमें दूसरा कॉन्स मैं आपको पहले कॉन्स बता रहा हूं, इसका जो कैंपस वाइडर नहीं यानी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज उतना अच्छा नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। साथ में मुझे क्यों लगता है कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो इसका कैंपस का जो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज वो अच्छा है, इसका कैंपस प्लेसमेंट परसेंटेज काफी अच्छा है। साथ में यहाँ पे जो रिक्रूटर्स हैं टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट कर रखी है, तो रिक्रूटर्स अच्छे यहाँ पे विजिट कर रखे हैं, वो एक आपके लिए वाइडर है। इसकी जो इनके जो स्टाफ्स हैं वो काफी सपोर्टिव है, तो ये भी एक रीजन है। तो मैंने आपसे ऑनेस्टली बता दिया कि अगर आपका बीटेक में इंटरेस्ट है, आप टेक्निकल कोर्स कोई करना चाहते हो तो आप परस्यू कर लो। नॉन टेक्निकल अगर है, आप अभी ये ग्रो कर रही है इंस्टीट्यूट, पर नॉन टेक्निकल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। मैंने सब कुछ आपको ऑनेस्टली बता दिया है। अगर आपको अभी भी किसी तरह का भी डाउट रह रहा हो तो आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस जो हमारी टीम है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको ऑनेस्टली गाइड करेगी और सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।